सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। तो आज हिंदी सत्र में परीक्षित भैया की शेयरिंग है। परीक्षित भैया का मैं संक्षिप्त परिचय रख देती हूँ। भैया पीएचडी कर रहे हैं और भैया ने एमटेक आईटी किया है। भैया एसोसिएटेड प्रोफेसर एंड एक्टिंग प्रिंसिपल हैं शंभूनाथ कॉलेज में। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मीटिंग ऐसी होती होगी जहाँ पे परीक्षित भैया नहीं होंगे। तो भैया टेक्निकल सपोर्ट में 2018 से ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज में और बहुत सारी मीटिंग्स में कॉन्फ्रेंस में तो भैया टेक्निकल सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। मैं आमंत्रित करूंगी भैया, आप अपनी शेयरिंग को रखें। स्वागत है भैया आपका। नमस्ते, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदी और सभी साथियों का, कोर्स फ्लोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ स्वयं में मानव मानव संबंधों में प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था के साथ जीने के प्रयास में और उसके इंस्टीट्यूट के साथ मैं अपना यहाँ पे शेयरिंग रखता हूँ। जैसा कि प्रियदी ने बताया, मैं प्रशित अग्रवाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और इस पूरे विषय वस्तु के साथ जुड़ना 2018 में हुआ, जब हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपलसरी करा गया था कि प्रत्येक विभाग के उसको टीचर्स को ये कार्यशाला 8 दिवस के फेस टू फेस मोड में करना अनिवार्य है। उस समय मैं आज भी देख सकता हूँ, याद करता हूँ तो दबाव में ही गया था। साथ ही कुछ मेरे साथियों का प्रभाव भी था जिन लोगों ने पहले से अटेंड किया था और काफी सारी बातें सुनी थी। उनमें से एक बात जो मुझे प्रॉम्प्ट करती थी वो ये थी कि सर्टिफिकेट मिलना इसमें बहुत कठिन होता है, एक भी सत्र आपका मिस हुआ तो आप सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। तो उसको कुछ साथियों ने हमारे इस तरह से भी देखा था कि ऐसा क्या है, देखिए वो उत्सुकता बनी हुई थी और पहली बार एक ऐसी कार्यशाला अटेंड करने का अवसर प्राप्त हुआ था जहाँ पे गद्दे वो तकिए भी थे, सिटिंग अरेंजमेंट चेयर्स के अलावा भी थे, तो भी एक नया अनुभव था। लेकिन जैसा कि पहली बार होता है तो मेरे साथ भी ऐसा था कि पहले 2-3 दिन तक तो ध्यान नहीं गया या जो भी बात वहां कही जाती थी तो लगता था मेरा जीना तो ऐसा ही हो रहा है, मैं तो सही अर्थ में जी रहा हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे सत्र आगे बढ़ा और तीसरे दिन चौथे दिन में जब संबंधों के ऊपर चर्चा हुई, मानव मानव व्यवहार पे चर्चा हुई, इंटेंशन पे कॉम्पिटेंस के ऊपर बात हुई, तो ध्यान गया कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो गलतियां हो ही रही हैं। जब मुझसे ग्लास टूटता है तो मैं कहता हूँ ग्लास गलती से टूट गया, इनकी नहीं और से। अगर ऐसा होता है तो मेरा भी ऐसा ही रिस्पॉन्स या कहें तो रिएक्शन ही आता था कि तुमने ग्लास तोड़ दिया या तुमने ये गलती कर दी, तो गलती ही करना चाहते हो। लेकिन फिर वो क्रम आगे बढ़ा, कनेक्ट हुए और फिर ये ध्यान गया कि अभी इस कंटेंट को कम से कम और 2-3 बार रिव्यू करने की, सुनने की आवश्यकता है। तो फिर 6-6 महीने पे अगले एक एक फेस टू फेस एफडीपी अगले 2 साल तक मैंने इस तरह से अटेंड किया और एक दो एफडीपी में एज एन ऑब्जर्वर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उससे और अधिक ध्यान गया और ये भी देखा कि वही कंटेंट दोबारा सुन रहे हैं या अगली बार सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो पहले कई बार कई जगह पे शायद टेक ऑफ हो गए या ध्यान नहीं गया तो चीजें मिस हो जाती थी, तो एक कनेक्शन नहीं बन पाता था। तो रिपीटेशन को मैं देख पाया कि बहुत आवश्यक है इस पूरे कंटेंट का, जिससे कि एक कड़ी बनी रहे और एक कंटिन्यूटी बनी रहे, जुड़ाव बना रहे। और पुनः लॉकडाउन पीरियड में 2020 में जब लॉकडाउन था, हम सभी घरों में थे अपने, उस समय AICTE NCERT और UGT टीम ने इसे ऑनलाइन मोड में जब शुरू करने का निर्णय लिया और उसमें मुझे अपनी भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान किया, अवसर प्राप्त हुआ, तो फिर रेगुलर बेसिस पे जब इस कंटेंट को सुनने का अवसर मिला तो काफी बातों पे और ध्यान गया। इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि स्वयं का विकास, स्वयं के विकास के साथ परिवार का,
टीम का विकास और टीम के साथ समाज का विकास, और ये दोनों ही ऑर्डर में मैं स्वयं में देख पाया। जितना जितना अपने ऊपर कार्य कर रहे थे उसको उसको एक्सपेरिमेंट उसका एक्सपीरियंसियल वैलिडेशन हो पा रहा था परिवार के साथ, समाज के साथ, और वाइस वर्सा ये ऊपर से नीचे भी हो रहा था। समाज के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ स्वयं में भी और ध्यान जा पा रहा था और स्वयं की गति भी और आगे बढ़ रही थी। तो इसका भी एक बहुत उपकार रहा सभी साथियों से जिनके नाम सुने थे या मुलाकात नहीं हुई थी, कम से कम सबसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलने का, बात करने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का, हैंड होल्डिंग का, मेंटरिंग का, उन सब के मेंटरशिप में आगे बढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये पिछले 6-7 वर्षों से यात्रा चल रही है, इसमें अधिक समय न लगाते हुए अब मैं एक्सरसाइज के ऊपर बात करना चाहूंगा। एक्सरसाइज वन में जब मैं देख पाता हूं पहले स्टेप पे ही स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना उसे चलाने का प्रयास करते हुए या रोकने का प्रयास करते हुए, तो ध्यान जाता है कि कितनी बार ये अभ्यास कर लें, पहले स्टेप पे बने रहना कितना आवश्यक है। अभी भी टेक ऑफ होता है, अभी भी डिफ्लेक्शन होता है, अभी भी रिएक्शन आता है, नहीं उसे रोकना नहीं है, ध्यान बनाए रखना है। और धीरे 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 अभी इस बात पे भी ध्यान जा रहा है, मुझ में सहज स्वभाव या मानवीय स्वभाव के अर्थ में ही जो भाव है उन्हीं को निरंतरता में बनाए रखना चाहता हूँ, अन्यथा भाव को बनाए नहीं रखना चाहता, क्योंकि इन्हीं सहज भाव के साथ ही मैं आराम में रहता हूँ, मैं सुखी रहता हूँ। लेकिन इस बात पे ध्यान जाने में बहुत समय लगा कि जो भी भाव मुझ में चल रहा है उसका निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ, और उसी अर्थ में सुखी या दुखी हो रहा हूँ, और उसके लिए भी पूरी तरह से मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसका एक बहुत बड़ा उपकार हुआ कि कम से कम दूसरों से शिकायत से मुक्त हो पाया और स्वयं के ऊपर कार्य करना है इस पे और ध्यान जा पाया। और इस अर्थ में जब स्टेप 5 पे हम कार्य करने का प्रयास हुआ, स्टेप 5 को समझने का प्रयास किया, तो वहां पे भी जो पुरानी मान्यताएं स्वयं में चली आ रही हैं उसको देख बाधा देख पाया। क्योंकि हर मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर प्लेसेस पे जब भी हम निर्णय ले रहे थे, जब भी मैं निर्णय ले रहा था, कोई भी कार्य व्यवहार कर रहा था, तो उसमें आधार कहीं ना कहीं मेरी पुरानी मान्यताएं थी। तो उस स्टेप पे तो और अधिक समझ में आया कि जैसा मैं हूं और जैसा मैं होना चाहता हूं उसमें अभी भी काफी गैप है, और इस गैप को भरने का सिर्फ एक ही आधार है, सही समझ, सही भाव स्वयं में, और सही कार्य, सही के अर्थ में कार्य व्यवहार बाहर। और जितना जितना इस आधार पे कार्य कर पाया उतना उतना मैं स्वयं को आराम में देख पाया। जब ये नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं हम परेशान देख पाया स्वयं को। लेकिन ये भी ध्यान जाता था कि इसकी निरंतरता तो नहीं चाहते, निरंतरता तो आराम में रहना, सही के अर्थ, सही को समझना और सही के अर्थ में कार्य करना ही है। और ये बात पे भी ध्यान गया कि संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व का भाव ही सह स्वीकार है, तो फिर क्यों विरोध आ जा रहा है, फिर क्यों संघर्ष दिख रहा है। तो इसलिए और इस पूरे विषय वस्तु को, इन अभ्यासों को करने का उत्साह बना कि संबंध को, व्यवस्था को, सह अस्तित्व को जितना जितना ठीक ठीक समझ पाएंगे उतना अपना अपने आप पुरानी मान्यताएं संवेदनाओं के ऊपर कार्य होता रहेगा। जैसा कि मोतीबा ने एक बार कहा था कि हम कुछ भी छोड़ना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जितना जितना हम सही को समझेंगे उतना उतना अपने आप सही के अर्थ में कार्य होगा, और जो भी सही अगर नहीं है तो स्वतः ही छूटता जाएगा।
हर पल हर क्षण संबंध व्यवस्था संस्कृत के अर्थ में कार्य करने की आवश्यकता है। अभी मैं अगर स्वयं को देखूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर पल हर क्षण हो पा रहा है बिना कम से कम इतना जरूर ध्यान जाता है कि पहले से वो ध्यान का समय बढ़ा है और इसका आराम भी मैं स्वयं में देख पा रहा हूँ, स्वयं में भी आराम और शरीर में हार्मनी के रूप में भी। क्योंकि अगर हम स्वयं में आराम में नहीं रहेंगे तो शरीर पे भी उसका असर पड़ता ही है और ये देख ही पाता था। अब इस बात का एक बहुत बड़ा उपकार है कि स्वयं में आराम में रहते हुए शरीर में अगर कोई डिसहार्मनी हुई भी तो भी वो ना शरीर उतना परेशान होता और ना स्वयं पे तो उसका असर नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा उपकार है इस पूरे विषय वस्तु का, अभ्यास एक का। तो ये ऐड करना चाहूंगा अभ्यास एक को कंक्लूड करते हुए कि संबंध व्यवस्था अस्तित्व को ही ठीक ठीक समझना है, संपूर्णता के आधार पर समझना है और उसी के आधार पे ही मैं अपने भाव को सहज रूप से संबंध व्यवस्था सहित के अर्थ में रखते हुए सुखी हो पाऊंगा, सुखी रह पाता हूँ। आगे बढ़ते हैं अभ्यास एक की। अभ्यास दो की अगर बात करें तो यहाँ पे इस बात को समझने में मुझे कम से कम 2-3 अभ्यास लगे कि अभ्यास दो करते हुए अभ्यास एक का भी ध्यान बने ही रहना है और उसमें भी अभ्यास एक का स्टेप 1 हर पल हर क्षण स्वयं को देखना, लौट लौट के वापस उसी पे जाना। और यहाँ इस बात की तो और क्लियरिटी बनी कि मैं हूं शरीर है या दोनों ही अलग अलग वास्तविकताएं हैं। साइंटिफिकली हर चीजों को देखने का अभ्यास रहा है तो कई बार इन चीजों को तर्क के आधार पे देखने जाता था और अपनी पुरानी मान्यताओं के फलस्वरूप तर्कों में कहीं कमी पड़ती थी। लेकिन जितना जब उसको स्वयं में देखा अभ्यास किया तो ये और क्लियरिटी होती गई और ये क्लियर होता गया कि ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं और मैं और शरीर के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और अब कम से कम ये देख पा रहा हूं कि मैं हूं और शरीर है। पहले तो मेरा सेल्फ है, मेरा शरीर है। इस वाक्य से भी, इस सेंटेंस से भी एक भ्रम होता था। तो जब ये ध्यान जाता है इस बात को देख पा रहा हूँ ठीक ठीक कि मैं हूँ शरीर है, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, दोनों की पूर्ति अलग अलग है और मेरे और शरीर के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। शरीर को क्या संकेत देना है, शरीर से किस संवेदनाओं को पढ़ना है, इसका निर्णय पूर्णतः मैं ही ले रहा हूं। और साथ ही ये भी देख पा रहा हूं कि उन संवेदनाओं रूपी नदी के किनारे पे मैं बैठा हूं या उस नदी के साथ बह रहा हूं। तो ये ध्यान जाता है कि उस संवेदनाएं मुझ में नहीं है, शरीर में है, मुझसे अलग है और मैं उससे दूर होते हुए भी उसको पढ़ सकता हूँ। और जितना जितना इसको देख पाता हूँ कि मेरे और शरीर के बीच में दूरी है, संवेदना मुझ में नहीं है ना मैं संवेदनाओं में हूँ, संवेदनाएं शरीर में है, मैं उन्हें पढ़ता हूँ और निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, निर्णय पूर्वक अर्थ देता हूँ और उससे प्रभावित या अप्रभावित होता हूँ। तो इस बात पे ध्यान गया कि जो भी मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ या रिएक्ट कर रहा हूँ तो वह बाह्य परिस्थिति के प्रभाव में कर रहा हूं, शरीर के प्रभाव में कर रहा हूं और अगर ऐसा कर रहा हूं तो मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं, परतंत्र हूं। और इस अर्थ में अगर मैं उसे अपने पुराने संस्कारों के आधार पर जोड़ के देखता हूं, अगर संवेदना पूर्वक जोड़ के देखता हूं उसको तो उससे मैं प्रभावित होता हूं और मेरा भाव विचार बदलता रहता है। मैं कभी सुखी होता हूँ, कभी दुखी होता हूँ। लेकिन जब उन्हीं संवेदनाओं को जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ता हूँ तो मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मेरा व्यवहार एक निश्चित आचरण में आता है, मेरा रिस्पॉन्स एक निश्चित आता है और मैं स्वयं को स्वतंत्र देख पाता हूँ। क्योंकि संवेदनाओं को पढ़ने का निर्णय मेरा ही है और इसके लिए पुनः अभ्यास एक मुझे बताया गया, मैं स्वयं पे जितना अधिक कार्य करता जाऊंगा, अपने स्वभाव में जितनी निश्चितता बनाए रखता रहूंगा,
उतना उतना मैं सुखी रह पाता हूँ, संवेदनाओं से अप्रभावित रहते हुए। तो यहाँ ये बहुत ही आवश्यक बिंदु पे ध्यान गया कि संवेदनाओं को पढ़ने के आधार बाहरी घटनाएं होनी चाहिए या मैं स्वयं होना चाहिए, दूसरे का कार्य व्यवहार ध्वनि शब्द होना चाहिए या उसका जो अर्थ मैंने दिया वो है। बाहरी घटनाएं व्यक्ति वो सारी चीजें तो ही हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे भाव विचार कैसे चलें, मेरा कार्य व्यवहार कैसा हो और सही के अर्थ में हो, ये पूर्णता मेरे हाथ में है। किसी की कई बातों का घटनाओं का मेरा आकलन क्या है, ये मेरे हाथ में है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। शुरुआत में जब पहली दूसरी बार अभ्यास एक अभ्यास दो को किया था, तो अभ्यास दो के स्टेप 5 स्टेप 6 पे अक्सर मैं अटकता था, रुकता था, आगे बढ़ना मुश्किल होता था, फिर लौट लौट के पीछे जाता था। और अभ्यास एक और अभ्यास दो के 5वें 6ठे स्तर पे कार्य करते करते कम से कम इन चीजों को और भी देख पाया कि अनुकूलता जो मैं बाहर ढूंढता था दूसरों के साथ किसी बाह्य परिस्थिति के साथ, वो अनुकूलता मेरे स्वयं में ही है। और जितना जितना इस बात को स्वयं में मैं देख पाया उतना उतना और आराम में आता गया। और एग्जाम्पल से अगर इसको उदाहरण से बात अपना चाहूँ तो कम से कम जितना जितना मैं स्वयं में अनुकूलता देख पाया उतनी उतनी मैं अनुकूलता प्रदान कर पाया अपने परिवार में, अपने कलीग्स के साथ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका आउटकम अगर मैं कहूँ तो एक डिपेंडेबिलिटी फैक्टर देख पाता हूँ अपने परिवार में भी और अधिक, और अपने कलीग्स के साथ भी, वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, क्लास में स्टूडेंट्स के साथ। कोई व्यक्ति गलत करना नहीं चाहता, मुझे दुखी करना नहीं चाहता, लेकिन कर नहीं पा रहा, मैं भी स्वयं को सुखी नहीं कर पा रहा हर पल हर क्षण, मैं भी दूसरे को सुखी नहीं कर पा रहा हर पल हर क्षण, उसी तरह दूसरा भी। ऐसा नहीं कि मुझे दुखी करना चाहता है या मुझे सुखी नहीं करना चाहता, अपितु वो मुझे सुखी नहीं कर पा रहा है। जितना जितना इस बात पे ध्यान जा रहा है उतना उतना और आराम में, व्यवस्था में स्वयं को देख पा रहा हूँ, और उतना उतना दूसरों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, टीम के सदस्यों के लिए, समाज में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूशन में सदस्यों के साथ स्वयं की पूरकता को देख पा रहा हूँ और अपनी भागीदारी को देख पा रहा हूँ। अभ्यास दो के 7वें स्टेप की अगर बात करूं तो मेरा होना शून्य के सहस्तित्व में बना हुआ है। मैं भी हूँ, शरीर भी है और शून्य भी है। इस स्टेप पे अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार मैं और शरीर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, उसी प्रकार मैं और शरीर शून्य में बने हुए सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, और वह भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर। और अर्थ में शरीर को एक उपयोगी साधन के रूप में देख पा रहा हूँ। और साथ ही ये भी अवश्य मैं शेयर करना चाहूंगा कि पहली बार जब अभ्यास एक किया था, अभ्यास दो किया था, तो समय समझ में आया था कि सब समझ में आ गया, लेकिन जब उसे दोबारा किया, तीसरी बार करा, तो समझ में अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आया। और इस बात को एक्सेप्ट करने में अब और मैं समय में आराम देख पाता हूँ कि काफी कुछ अभी भी एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंसली वैलिडेट करना, जी के देखना रह गया है। क्योंकि शायद परिवार में भी एक अनुकूल माहौल मिला। इवन मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगा इस पूरी परंपरा का, अपने कलीग्स का भी, जिन्होंने एक बहुत ही अनुकूल वातावरण दिया, सपोर्ट दिया मेरे भागीदारी में, कार्य व्यवहार में। तो हो सकता है शायद अभी ऐसी कुछ प्रतिकूलता ऐसा आई ना हो जहाँ पे मैं इसको और अच्छे से देख पाऊँ, समझ पाऊँ। जैसे अगर इस सत्र की अगर बात करूँ तो जितने भी नए साथी जुड़े, ये पुराने साथी ने भी
उन सब के जो भी प्रश्न आते थे, तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये प्रश्न तो मेरा भी था, या ऐसी कुछ घटना या स्थिति परिस्थिति मेरे साथ भी पिछले दिनों में घटित हुई। उनके रिस्पॉन्स जब हमारे मेंटर्स यहाँ करते थे तो सेम रिस्पॉन्स वो मेरे लिए भी रहता था। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपके प्रश्नों, आपके रिस्पॉन्सेस से मुझे अपने भी प्रश्नों के आंसर मिले, रिस्पॉन्स मिले, उत्तर मिले, और मेरे जीवन में और परिमार्जन हो पाया, जीने में और परिमार्जन हो पाया और सहजता बनी। और ये तो अब विश्वास के साथ देख पाता हूं कि करने लायक कार्य तो यही है। पूरी परंपरा में इस टीम के साथ, आप सभी के साथ कार्य करते हुए, इस कंटेंट को एक्सप्लोर करते हुए ये भी ध्यान जाता है अब कि कितना 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 प्रयास और कार्य किया है लोगों ने समाज पे, परिवार में, टीम में, तो ये विषय वस्तु इतने सहज रूप में हमारे समक्ष अवेलेबल है। तो हमारी भी ये, मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है स्वयं की कि हम भी इसको और आगे लेके जाएं। और ये स्वतः ही एक प्रोसेस है जो हो ही रहा है परिवार में, समाज में, इंस्टीट्यूट में, क्लास में, बच्चों के साथ अपने कोर सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हुए उनके साथ ये कंटेंट कहीं ना कहीं शेयर होता ही है। और साथ ही ये भी मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि इस विषय वस्तु से जुड़ने के बाद अब जब भी मैं अपने कोर सब्जेक्ट्स को भी क्लास में डिस्कस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक ही स्कोप, पूरा स्कोप मुझे दिखता है कि किसी भी सब्जेक्ट को, या कम से कम जिन सब्जेक्ट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, उनको इस विषय वस्तु के जोड़ के कैसे रख पाऊँ, कैसे रखूँ। और ये तो ध्यान जाता ही है कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं, आफ्टर ऑल उन स्टूडेंट्स को परिवार के साथ ही आगे रहना है, समाज में ही जाके कंट्रीब्यूट करना है। तो जितना जितना इस बात पे भी ध्यान दिला पाऊँ उतना मेरा और प्रयास रहता है। अभी अगर मैं बताऊं कि स्वयं के समझ के लिए मैं कितना समय लगा पा रहा हूं, तो जितना भी संभव हो पाता है मैं इसको करने का प्रयास करता हूँ। दिन भर की अगर बात करूं तो स्वयं के साथ अकेले कम से कम 2 घंटे में अवश्य लगाने का प्रयास करता हूं, और उसके अलावा ऑन एन एवरेज डेली 3 से 4 घंटे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने का और भागीदारी निभाने के प्रयास में अवश्य में रहता ही। और इस पूरी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ साथ परस्परता में अपनी सामाजिक भागीदारी को जितना भी मैं निभा पाता हूँ, उतना उतना स्वयं में एक वैभव के रूप में इसको भी देख पाता हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत प्रयास मैं कर पा रहा हूँ, अभी भी ये ध्यान जाता है कि और समय दिया जा सकता है स्वयं पे भी और भागीदारी के अर्थ में भी। तो उस अर्थ में आप सभी का साथ बना रहे, मेंटर्स का साथ बना रहे, तो ऐसे ही और भागीदारी आगे हम सभी रहेंगे। और पुनः एक बार मैं ग्रेचुएट करना चाहूंगा इस पूरी परंपरा का, पूरी टीम का, आप सभी को स्टूडेंट्स का, अपने परिवार का, अपने कलीग्स का, इनका हमेशा ही सहयोग मुझे मिला और आगे भी मिलता रहेगा। मेरे स्वयं के परिमार्जन में आप सभी का पूरा पूरा योगदान है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी पहले हम शर्मिला दीदी के फीडबैक को सुन लेते हैं। जी शर्मिला दीदी जी नमस्ते नमस्ते परीक्षित भैया। परीक्षित जी, नमस्ते। जी की शेयरिंग आप सभी ने सुनी और बहुत ही प्रेरणादायक रही। बहुत लोगों ने सराहा भी। और जैसे कि प्रिया जी पहले कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो परीक्षित जी से अपरिचित हो। हमने कोई भी वर्कशॉप अटेंड करी हो, कहीं ना कहीं हमें उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। उनका जो उनमें स्थिरता है,
जो शांत स्वभाव है वो दिखता ही है, और मैं समझती हूँ ये एक इंडिकेटर है उनके अंदर की स्थिति का, जो कि हम सब देख ही पाते हैं। तो अंदर स्टेबिलिटी होते हुए इतनी सारी भागीदारी वो कर पाते हैं। कितने सारे वर्कशॉप्स होते हैं दिन भर में, कितने सारे सेमिनार्स, कितने सारे मीटिंग्स, और मुझे लगता है कि नॉट ओनली एक-एक मीटिंग में, बहुत बार वो दो-दो तीन-तीन मीटिंग्स में भी जुड़े रहते हैं और अपनी भागीदारी बहुत अच्छे ढंग से निभा पाते हैं। तो ये सब एक तरह से इंडिकेटर्स हैं कि हमारे अंदर की स्थिति कैसी है, तभी हम ये सब कर पाते हैं बिना सब चीजों से प्रभावित हुए। तो मैं समझती हूँ कि परीक्षित जी ने बहुत सारा अपने अंदर काम किया ही है। ये जो एक तरह से हम जो अपने अंदर एफर्ट कर रहे हैं, जिससे कि इतने प्रयास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी शेयरिंग से हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये जो इंडिकेट किया था परीक्षित जी ने, कि शुरुआत में पहले पहले सुना तो ऐसे लगा इसमें क्या है, ये तो हमें आता ही है, हम तो वैल्यूज के साथ रहते ही हैं। इस टाइप का रिएक्शन बहुत लोगों में होता भी है, और हो सकता है हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। यदि हम एक बार देख पाते हैं कि ये सब जो कहा जा रहा है, ये हमारे जीने से कितना जुड़ा हुआ है, तो हम एक एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ ऐसा हम में भी है, हम भी इसी दायरे में हैं जो कहा जा रहा है, और हमें भी इस पूरे कंटेंट की आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। तो जैसे जैसे वहां ध्यान जाता है, वहीं से समझिए पहला कदम है जब हम अपने अंदर काम करना शुरू करते हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा शुरुआत में कि हमें ये कंटेंट की आवश्यकता है क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स को तो पढ़ाना ही है, लेकिन केवल पढ़ाना है, केवल प्रीच करना है, या अपने अंदर उन सारी बातों को ढालना है? तो ये काम मुझे लगता है परीक्षित भैया ने बहुत अच्छे से किया है। और ये जो रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी की बात हो रही थी, मतलब कितने सारी बातों में हमने देखा ही होगा कि परीक्षित जी के कुछ काम कह दीजिए तो समझिए हो गया, फिर दोहराना नहीं पड़ता, रिमाइंड नहीं कराना पड़ता। वो एक बहुत सहज ढंग से, एक सेल्फ ऑर्गेनाइज तरीके से अपने पूरे जो कमिटमेंट्स हैं उनको निभाते ही हैं, परिवार में भी, अपने वर्कप्लेस में भी, वॉलंटियरिंग में भी, एक बहुत ही सहज ढंग से, एक बहुत ही स्वाभाविक रूप से वो अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं, और जैसा आप सबने सुना, आराम में भी बने रहते हुए कर पा रहे हैं। तो ये चीज सभी के लिए लागू होती है। हम सब इससे प्रेरणा लेकर और इस काम के लिए अपने में और एफर्ट करें तो होगा ही। जैसे जैसे ध्यान जाएगा,
वैसे वैसे चीजें साफ होने लगेंगी। परीक्षित जी ने यह भी बताया कि जो भी पहले लगता था कि दूसरे नहीं समझ रहे, जैसे जैसे अपने अंदर काम बढ़ा तो ये दिखा कि जब हमारे अंदर क्लैरिटी हुई तो हमें ये दिखा कि दूसरा दुखी करना चाहता नहीं है, अभी वो और सही कर नहीं पा रहा। तो ये जो रियलाइजेशन है अपने अंदर, ये जैसे जैसे दिखने लगता है वैसे वैसे ना सिर्फ हम आराम में आ जाते हैं बट हमें अपनी भागीदारी भी स्पष्ट होने लगती है। तो मुझे लगता है कि ये सब पॉइंटर्स से हम अपने में अपने जीने से जोड़ के देखें तो बहुत सा हम अपने अंदर काम कर पाएंगे। एक जो प्रश्न आया था कि कभी-कभी हम लो फील करते हैं, तो इस पर ध्यान जाए कि जैसे जैसे हम अपनी सहज स्वीकृति को रिफर करते हैं, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम जो नीचे की क्रियाएं हैं वहां से शिफ्ट होकर ऊपर की क्रियाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। जाने अनजाने जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमारा ये काम होने लगता है कि हम जहाँ नीचे की क्रियाओं में ही बहुत ज्यादा व्यस्त थे वहां से धीरे धीरे ऊपर की क्रियाओं की तरफ हमारा ध्यान जाने लगता है। और जैसे जैसे ये होता है तो हमारे अंदर स्थिरता बनने लगती है। फिर ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, वो जो बोलते हैं ना कभी खुशी कभी गम, पूरा टाइम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये मूड स्विंग्स आप देखेंगे बहुत ही एक नेचुरल स्वाभाविक ढंग से कम होने लगते हैं। जैसे कि वो पेंडुलम की बात होती है, जब पेंडुलम एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, अगर आप एक तरफ खींचते हैं तो वो दूसरी तरफ जाएगा ही, लेकिन कहाँ स्थिर है वो? मध्य में। इसी तरह अगर आप एक सेल को देखें, कहाँ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है? तो वो न्यूक्लियस में है। एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हम पढ़ते हैं, है ना? स्थिरता कहाँ है? वो मध्य में है। बाहर के एरियाज में स्थिरता नहीं रहेगी। वहां आप नोटिस करेंगे कि बहुत से मूड स्विंग्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, कभी हमारा मूड ठीक नहीं, कभी हमारा हमें लो फील होता है, कभी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बट जैसे जैसे हमारा ध्यान सहज स्वीकृति की ओर जाता है, जो कि हमारी सबसे ऊपर की क्रिया के पोजीशन में है, जो हमारा मध्य है, जैसे जैसे वहां ध्यान जाता है तो स्थिरता अपने आप बढ़ने लगती है। और आप हो सकता है कुछ समय अभ्यास करने के बाद आप ये नोटिस करें कि आप में ये जो मूड स्विंग्स थे ये कम हो गए, लो फील होना कम हो गया। तो ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस में हो सकता है। ये एक बात मैं ध्यान दिलाना चाह रही थी। बाकी तो आप सबने नोटिस ही किया परीक्षित भैया की शेयरिंग के बारे में, कि बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही परीक्षित जी, और बहुत ही आपकी जो पूरी भागीदारी है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और मुझे लगता है कि पूरी टीम के लिए परीक्षित जी बहुत ही बड़ा एसेट है। तो आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। ये बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।